हेलो दोस्तों, तो आखिरकार राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने बीएड को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। और बस चुप्पी ही नहीं तोड़ी, सीधा एग्जामिनेशन फॉर्म जारी कर दिया, और वो भी ऐसा एग्जामिनेशन फॉर्म जिसकी भरने की आखिरी तिथि मात्र 8 दिन है, यानी कि 31 अगस्त को आखिरी तिथि है। 31 अगस्त तक आपको फॉर्म भर देना है। तो ये सूचना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सूचना आ चुकी है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, 31 अगस्त इसी महीने की आखिरी तारीख, ये लास्ट डेट होगा। आइए देखते हैं कि आप इस सूचना को कैसे देख सकते हैं और आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आइए सीधा काम की बात करते हैं, सीधा काम पे चलते हैं कि कैसे आप इस सूचना को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गूगल, गूगल पे जहाँ सर्च बॉक्स है वहाँ पे आपको लिखना है RMLAU, यानी कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी एग्जाम स्कीम 2021। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको गूगल पे यहाँ पे ये एग्जामिनेशन स्कीम मिल जाएगा RMLAU का। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन स्कीम पे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऐसे इस इंटरफेस में आप ध्यान से देखिए, ऊपर आपको ऐसे 3 लाइन दिखाई दे रहे हैं, इस 3 लाइन को ऑप्शंस बार कहते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑनलाइन पे, और जैसे ही आप ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं आपको ऐसे देखिए नीचे आपको सब ऑप्शंस मिलेंगे, दूसरे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। इसको थोड़ा सा स्लाइड करिए, ठीक है, नीचे की तरफ आप ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे एक बार मिलेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे पहला देखिए लिखा है फिल एग्जामिनेशन फॉर्म 2020 और 2021, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है फिल एग्जामिनेशन फॉर्म 2020 और 2021 पे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास ये इंटरफेस खुल के आ जाता है। और यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे बीएड के संबंधी जो सूचना आई है वो यहाँ पे मिल जाएगी। फिल एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड फर्स्ट ईयर रेगुलर स्टूडेंट टिल 31 अगस्त 2021, तो ये आपकी सूचना। और फिर देखें यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पे देखिए आपको UIN नंबर डालना है और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे कि मैंने UIN नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो अपडेट आई है ना वो अभी अभी की अपडेट आई है, तो अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। इसके आगे की जैसे ही प्रोसेस होगी आपको बता दिया जाएगा, पर हाँ आप इतना ध्यान रख लीजिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट आ गई है। जैसे ही आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट कैसे काम करती है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अभी बहुत लोग इस पर सर्च कर रहे होंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, पर जैसे ये सॉल्व होता है आपको बताया जाएगा कि इसके बाद का स्टेप। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुकी है, एग्जाम फॉर्म भरना है। आपकी तरह हम भी इस भ्रम में थे कि शायद प्रमोट हो जाए, शायद प्रमोट हो जाए, लेकिन वो भ्रम अब दूर हो चुकी है। मे बी हमको मोस्ट प्रॉब्ली कि अब हमें एग्जाम देना ही है। अब एग्जाम कब होती है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, मे बी नेक्स्ट मंथ और अपकमिंग मंथ लाइक अक्टूबर में हो जाए, जब भी एग्जाम्स हो जाए, तो सेप्टेम्बर लास्ट या अक्टूबर जब भी हो आपको बताया जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं बचा भाई, अब तो टाइम ही नहीं बचा कि अब तो मतलब भिड़ जाना है बस प्रिपरेशन में। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, देखिए मैं बस बीएड फर्स्ट ईयर को लेके ही वीडियोस बनाता हूँ, तो बीएड को लेके आपको वीडियोस अगर चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। जैसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस में कौन कौन से, पिछले 5 साल के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उसकी डिटेल्स और कैसे क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल से मिल जाएंगी। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोस्त वॉचिंग दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट हम्बली रिक्वेस्ट प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी कनेक्टेड विद मी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।